गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल गैंग के मुख्य सदस्य सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने शार्प शूटर सुरजीत को गुरुग्राम के खाडसा गांव से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों विजय बत्रा उर्फ तांत्रिक के हत्या के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने सुरजीत को गिरफ्तार किया है। ये गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन बादशाहपुर के अंतर्गत 22-23 फरवरी की रात्रि को विजय बत्रा, जो कि अर्जुन नगर के रहने वाले हैं, उनकी हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस स्टेशन बादशाहपुर में केस रजिस्टर हुआ और जिसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम यूनिट सेक्टर 31 को ट्रांसफ़र हुई। जो क्राइम यूनिट सेक्टर 31 द्वारा इंस्पेक्टर नवीन द्वारा केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए इसका जो मुख्य आरोपी है सुजीत, जो बेसिकली बिहार का रहने वाला है और आजकल यहाँ देवीलाल नगर में गुरुग्राम में रहते हैं, उसको 28/2/2019 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सुजीत जो बेसिकली 10वीं पास है, 23 साल की उम्र है, जिस द्वारा विजय बत्रा के मर्डर केस में रैकी को अंजाम दिया गया था और जब I-10 ग्रांड में अन्य आरोपी आए तो इसने अपनी स्कूटी पर आकर के और गाड़ी का शीशा तोड़ने का और पूरा जो एक इस हत्या को अंजाम देने में है अहम रोल अपना अदा किया और इसको कल खांडसा मंडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और जिसको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। सर, टोटल कितना? सुजीत ने अभी तक जो प्राइमरी पूछताछ में बताया है, इसमें टोटल मौका पर 4 उसने बताए हैं तथा 2 अन्य, कुल मिलाकर के 6 व्यक्तियों का जो है इसमें भूमिका होनी बतलाई है। और इसके अतिरिक्त इससे पूर्व 2017 में सुजीत ने अपने भाई वह एक अन्य साथी के साथ मिलकर के सेक्टर 31 के अंदर आकाश छोकर नाम के व्यक्ति को गोली मारी थी, जिसमें ये जेल में रह करके आया और वहाँ इसकी जो मुलाकात है अन्य क्रिमिनल्स के साथ हुई और बाहर आकर के उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। किस गैंग से ताल्लुक रखता है सुजीत? ये अभी सारा का सारा जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इससे पुलिस रिमांड के दौरान विस्तार पूर्वक पूछताछ की जाएगी और सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। हत्या के पीछे क्या क्या वजह थी? हत्या के पीछे पैसों की डिमांड थी और इस कारण से जो है ना ये हत्या को इन्होंने अंजाम दी। सर, कौशल गैंग से संबंधित है? ये अभी सारा का सारा पुलिस रिमांड के दौरान जो है विस्तार पूर्वक पूछताछ की जाएगी। सर, सुरजीत के खिलाफ कितना मुकदमा है? सुजीत के विरुद्ध 307 IPC का एक मुकदमा है, जिसमें ये लगभग 1 साल तक जेल में रहकर आया है और अभी 8-10 महीने पहले इसकी जमानत हुई थी। जमानत पर बाहर आने के पश्चात इसने इस हत्या के जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया। पहले गुड़गांव पुलिस ने बताया कि इस केस में 2 व्यक्तियों ने दिल्ली पुलिस को सरेंडर किया था, अभी सतीश पावा और एक और, अभी दिल्ली पुलिस ने वो मना कर दिया था उस वक्त। अभी जो हमें सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस की इन्फॉर्मेशन के आधार पर, हमने वहाँ पे संदीप उर्फ टाइम पास, जिसने जनकपुरी में से इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसका हमने प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया है और जिसको कल 2 मार्च को प्रोडक्शन वारंट के जरिए माननीय अदालत में ला करके पेश किया जाएगा तथा वहाँ से पुलिस रिमांड हासिल करके उससे भी पूछताछ की जाएगी। क्या किया नहीं है? 2 आदमी सर वहाँ पे, अभी एक जो संदीप है, संदीप उर्फ टाइम पास, वही बताया मैंने। क्या हत्या पे इस्तेमाल हुआ वह वेपन? हाँ, वो सारे के सारे जो है पूरी रिकवरीज की जाएंगी। सर, मृतक की पत्नी बार बार ये आरोप लगा रही थी कौशल गैंग का हाथ है, वही जानकारी मांग रही। ये हर पहलू से और हर प्रकार से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया जाएगी। साफ तौर पर कौशल का नाम आया था, फिर ये सारे के सारे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी भी इमदाद ली जाएगी और सारा का सारा हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन की जाए। लगभग कितनी उम्र रही होगी इनकी जो ये अपराधी थे? ये यंग्स ही हैं और इनकी अभी मैंने बताया कि इसकी उम्र 23 वर्ष है और ये 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। और
जो ये गाड़ी, जिस गाड़ी के अंदर उन्होंने मर्डर को अंजाम दिया, ये गाड़ी लूट की थी या इनकी, किसके नाम पे दर्ज? नहीं, ये अभी जो है सारा का सारा आपको एक डिटेल बाद में बताया जाएगा। सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान गाड़ी जो सतीश है उसके नाम थी और लगभग 3 महीने पहले ये सुपीरियर हुंडई से खरीदी गई थी।